ये देखिए, अब हम अंदर जा रहे हैं चंपारण मीट हाउस फैमिली एसी रेस्टोरेंट। सामने ही में ये देखिए आपको हंडी कितने बढ़िया से सजा के रखा हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो कोयला रखा हुआ है, उसी कोयले के चूल्हे पर ये बनता है हंडी में। यहाँ पर कोयले का चूल्हा और यहाँ पर हंडी सामने में ही सजा के रखा हुआ है। ऊपर में भी अंदर में बिल्कुल हाइजीनिक किचन इन्होंने बना के रखा है, जिसमें हंडी मटन बनता है। तो चलिए हमारे साथ। एक दिन में कितना हंडी तैयार कर लेते हैं? 30-35 तो कम से कम 30-35 तो एक दिन में बिक्री हो जाता है। अभी मतलब अभी निकल जाता हमारा, अभी मतलब 35 किलो के आसपास। जी जी, 35-40 किलो माल निकल जाता है। पूरा 1 किलो मटन रहता है हंडी में, 1 किलो मटन और आधा किलो प्याज। और ये जो मसाला वगैरह आप जो है वो मसाला जो है वो आप खुद से तैयार करते हैं? जी जी जी, खुद से सारा मसाला खुद से तैयार करते हैं। तो देखिए ये आपको जो प्रोसेस है दोबारा से दिखा दें किस तरीके से। देखिए पहले प्याज लिया गया, आधा किलो प्याज के बाद अब उसमें जो हांडी मटन का जो मसाला है और नमक है, 1 किलो मटन यहाँ पर वजन किया जाएगा, और उसके बाद 1 किलो मटन जो है देखिए यहाँ पे वजन किया जा रहा है, उसमें कलेजी भी है, और उसके बाद इसको देखिए 1 किलो मटन। जी हाँ, 1 से 1.5 घंटे देखिए अब इसको पकाया जाएगा, वो भी धीमी आंच पर, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पूरा सेटअप है किस तरीके से हंडी को ऊपर रखा जाएगा और किस तरीके से इसको पकाया जा रहा है, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। हमारे इस वीडियो में बने रहिए। जो तैयार हो गया है मटन वो है, देखिए थोड़ा चम्मच से चला के दिखाइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए ये जो तैयार हो चुका है मटन, 1-1.5 घंटे के बाद जो मटन तैयार होता है उसमें देखिए किस तरीके से जो तेल है और मटन किस तरीके से गला हुआ है। नमस्कार, जमशेदपुर इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट के आगे जहां पर आपको एसी में बैठकर हंडी मटन खाने का आनंद मिलेगा। जी हां, वही हंडी मटन जो आप ढाबों में खाते होंगे, कई जगह खाते होंगे, लेकिन एसी रेस्टोरेंट में एसी रूम में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के हंडी मटन खाने का आनंद आपको मिलेगा। बता दें एड्रेस, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चंपारण मीट हाउस कोर्ट, जो नया कोर्ट है उसके ठीक अपोजिट में डांगी पैलेस चंपारण मीट हाउस यहाँ पर मौजूद है। और इसमें एसी रेस्टोरेंट में आपको बहुत बढ़िया मटन खाने को मिलेगा, और कई वैरायटीज़ के मटन और चिकन भी, कई वैरायटीज़ के, और स्वाद भी बहुत ही शानदार है, यूनिक टेस्ट है। तो आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए अब हम अंदर जा रहे हैं चंपारण मीट हाउस फैमिली एसी रेस्टोरेंट। सामने ही में ये देखिए आपको हंडी कितने बढ़िया से सजा के रखा हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो कोयला रखा हुआ है, उसी कोयले के चूल्हे पर ये बनता है हंडी में। यहाँ पर कोयले का चूल्हा और यहाँ पर हंडी सामने में ही सजा के रखा हुआ है। ऊपर में भी अंदर में बिल्कुल हाइजीनिक किचन इन्होंने बना के रखा है, जिसमें हंडी मटन बनता है। तो चलिए हमारे साथ अंदर का पूरा सीन आपको दिखाते हैं और अंदर का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए अब हम स्टेयर्स से ऊपर चढ़ गए हैं, और यहाँ पर मेरे ठीक बगल में आपको ये डोर दिख रहा होगा, इसे खोलते ही हम चंपारण मीट हाउस के अंदर जाएंगे। और ये देखिए आपको दिखा दें कितने बढ़िया यहाँ पर हंडी को सजा के रखा हुआ है। इसी हंडी में मटन तैयार होता है, और हंडी में जब मटन तैयार होगा तो उसका स्वाद आप देख कर ही जान सकते हैं कि बिल्कुल कितना सौंधापन स्वाद होगा। और मट्टी में जो भी चीज़ बनती है, खासकर चिकन या मटन की बात करें, तो उसका स्वाद बहुत ही शानदार उठकर आता है, और बिल्कुल देसी जो स्वाद है, एक मटन का अपना स्वाद है, वो आपको खाने में मिलेगा। आइए। आइए अब आपको ले चलते हैं एसी रेस्टोरेंट, मटन हंडी का एसी रेस्टोरेंट, जहां पर आपको हांडी मटन मिलता है उसके किचन में। और हम भी देखते हैं और आप भी हमारे साथ देखिए कि आखिर वहां क्या जादू होता है उस किचन में। आइए आपको ले चलते हैं बस चंपारण मीट हाउस के किचन में। अब हम एंटर कर रहे हैं और ये देखिए, देखिए हम चंपारण मीट हाउस के किचन में आ गए हैं, जहाँ से स्वाद आता है मटन हंडी में। और आइए बात करते हैं उनसे जो प्याज। जी कैसे, क्या प्रोसेस होता है बताएं? प्याज आधा किलो डालते हैं, मीट 1 किलो डाल देते हैं,
फिर मसाला डालते हैं, नमक डालते हैं, तेल डालते हैं। तो अभी आप किस कौन सा मसाला डालते हैं? ये हांडी का मसाला है, गरम मसाला, स्पेशल मसाला। हाँ, चंपारण का मसाला है, चंपारण स्पेशल मसाला। इसमें पड़ चुका है तेल, डाल दिया। ये देखिए तेल पड़ रहा है, इसको मिला रहे हैं। तेल कौन सा है, खास होता है? सरसों तेल है जी, खौलाया हुआ। खौलाया बता। ये देखिए आप मंडी में चल गया है उनका अपना चंपारण मसाला। ये देखिए मीट, देखिए मीट, देखिए ये मीट मंडी में पड़ेगा और फिर इसे बनाया जाएगा, स्वाद आएगा। जी बोलिए। एक किलो मीट है जी? जी देख लीजिए, एक किलो मीट देख सकते हैं आप हमारे स्क्रीन पर। एक हंडी में कितना मीट? एक किलो, एक किलो आठ डाल। ये डाल दिए एक किलो मीट जी, मिला रहे। ये हांडी में जा रहा है, चंपारण चंपारण का मसाला। एक दिन में कितना हंडी तैयार कर लेते हैं? 30-35 तो कम से कम, 30-35 तो एक दिन में बिक्री हो जाता है। अभी मतलब अभी निकल जाता है हमारा, अभी मतलब 35 किलो के आसपास। जी जी, 35-40 किलो माल निकल जाता है। और कितना जो मटन होता है, कितना किस तरीके से वजन किया जाता है, क्या किया जाता है? पूरा एक किलो मटन रहता है हंडी में, एक किलो मटन और आधा किलो प्याज। और ये जो मसाला वगैरह आप जो है, वो मसाला जो है वो आप खुद से तैयार करते हैं? जी जी जी, खुद से सारा मसाला खुद से तैयार करते हैं। तो देखिए ये आपको जो प्रोसेस है दोबारा से दिखा दें किस तरीके से। देखिए पहले प्याज लिया गया, आधा किलो प्याज के बाद अब उसमें जो हांडी मटन का जो मसाला है और नमक है वो मिलाया जा रहा है। और उसके बाद फिर एक किलो जो चिकन है वो किस तरीके से देखिएगा, इस पर वजन किया जाएगा। अभी देखिए सरसों तेल, जी हाँ ब्रांडेड सरसों तेल जो होता है, कौन सा ब्रांड का यूज़ करते हैं? हाथी माता, हाथी, हाथी का जो तेल है वो ब्रांड का जो तेल है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से सारे मसाले को मिक्स किया जा रहा है और एक फ्लेवर जो है वो इसी मसाले से तैयार होता है। और ये फ्लेवर जो है उसके बाद आपके प्लेटों तक पहुंचता है, परोसा जाता है। और देखिए यहाँ पर अब हांडी में किस तरीके से भरा जा रहा है। देखिए ये हांडी है, करीब 4-5-10 हांडी जो है यहाँ पे तैयार हो रखी है। और देखिए अब यहाँ पर मटन जो है वो एक किलो मटन यहाँ पर वजन किया जाएगा। और उसके बाद एक किलो मटन जो है देखिए यहाँ पे वजन किया जा रहा है, उसमें कलेजी भी है। और उसके बाद इसको देखिए एक किलो मटन, जी हाँ एक किलो से ज़्यादा जो मटन है, 17 ग्राम ज़्यादा मटन देखिए लिया गया। आप मिलाइए, देखिए मिलाया जाएगा इसको यहाँ पर। और पूरे दिन इस तरीके का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। 30-40 जो हंडी है, 30-40 उधर से लेना, उधर से 30-40 जो हंडी है वो आपको यहाँ पर बनते हुए नज़र आएगी। और देखिए अब इसको जो मसाले के साथ जो मटन का जो फ्लेवर आ रहा है वो फ्लेवर देखिए अब जा चुका है हंडी के अंदर। और हंडी के अंदर इसको करीब एक घंटे तक पकाया जाएगा। एक से डेढ़ घंटे जी सर, एक से डेढ़ घंटे देखिए अब इसको पकाया जाएगा, वो भी धीमी आंच पर। और वो भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर पूरा सेटअप है किस तरीके से हंडी को ऊपर रखा जाएगा और किस तरीके से इसको पकाया जा रहा है, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। हमारे इस वीडियो में बने रहिए। अब देखिए इसको सील भी किया जाएगा, सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे और एक एक करके किस तरीके से यहाँ पर सील किया जा रहा है और क्या क्या है वो सारा कुछ आपको देखिए। ये जो तैयार हो गया है मटन वो है, देखिए थोड़ा चम्मच से चला के दिखाइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए ये जो तैयार हो चुका है मटन, एक डेढ़ घंटे के बाद जो मटन तैयार होता है उसमें देखिए किस तरीके से जो तेल है और मटन किस तरीके से गला हुआ है, ये देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। और देखिए तेल जो है पकने के बाद कैसे मटन तेल छोड़ चुका है, मसाला तेल छोड़ चुका है। और पूरा देखिए यहाँ पर करीब मटन लाइन से जो है देखिए स्वादिष्ट और क्या गाढ़ा रंग है, लाल रंग जो मटन का टेस्ट आता है उसकी वजह से बढ़िया एक मटन का जो फ्लेवर है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। और देखिए और खड़े मसाले और वगैरह सब कुछ पहले से डालकर उसको यहाँ पर देखिए, ये फ़ौरन वगैरह है जो मटन में पहले डाला जाता है। देखिए फ़ौरन वगैरह डालकर किस तरीके से तैयार किया गया है मटन को। और देखिए चिकन वगैरह के भी जो आइटम है वो यहाँ पर अवेलेबल दिखाइए। रुके 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 रुके। और ये जो हम आपको अब दिखा रहे हैं ये चिकन हंडी है,
देखिए जो चिकन लोग कढ़ाई में खाते हैं, और देखिए यहाँ पर चिकन जो है यहाँ पे हांडी में तैयार हो रहा है, और ये चिकन है देसी चिकन, और उसका देखिए फ्लेवर जो है इतना अच्छा जो फ्लेवर है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अभी ये फैशन में है हांडी चिकन, हांडी मटन, और इसका जो फ्लेवर है और गोटे गोटे लहसुन आप देख रहे हैं जो फ्लेवर अलग फ्लेवर आता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम अभी बोलेंगे कि एक हांडी सील कर ऊपर चढ़ाया जाए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखाएं। एक बार एक मटन हांडी सील कर लोगों को दिखाएं, पूरा शॉट लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे इस मटन हांडी को अभी सील किया जाएगा आटे से, ताकि कोई भी मतलब जो अंदर का भाप है बाहर ना निकले, और जल्द से जल्द जो ये है पूरे तरीके से पक के रेडी हो जाए। और ये यहाँ पे चंपारण जो मीट हाउस है, एसी रेस्टोरेंट, जी हाँ जमशेदपुर का पहला एसी रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बैठकर हांडी मटन का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। उनके उसी के किचन से हम आपको ये लाइव जो है विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अब जो ये हांडी मटन है वो अब चढ़ चुका है, और अब एक से डेढ़ कितना समय लगेगा? एक घंटे में पूरा तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये है हांडी मटन का जो फ्लेवर, और उसके बाद जब बन के तैयार होता है, इधर आ जाइएगा, और जब बन के तैयार होता है तो देखिए इस तरीके का, एक बार चम्मच, और जब बन के तैयार होता है तो देखिए इस तरीके का जो एक मज़ेदार फ्लेवर है, देखिए ये बन के तैयार हुआ एक घंटे के बाद ये जो टेस्ट आता है, और लगातार जो लोग हैं यहाँ पर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और देखिए पूरा जो सेटअप है वो है, हर चीज़ वजन के हिसाब से की जाती है ताकि किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ वजन से की जाती है। जी हाँ, छोटे से छोटे प्याज भी देखिए वजन करके डाला जाता है, क्योंकि हर चीज़ अगर सामान्य क्वांटिटी में होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो फ्लेवर है वो आएगा। आइए, एक व्यक्ति हैं जो मटन अभी ऑर्डर किया है इन्होंने, हांडी मटन, उनसे जानते हैं कैसा लगा इनको चंपारण मीट हाउस में मटन हांडी का स्वाद। कैसा लगा भैया मटन हांडी? टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, सिटी में इस मटन का जो ये टेस्ट है, ऐसा टेस्ट और कहीं आपको खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग आ रहे हैं अभी टेल्को से, घूम फिर के भूख लगा तो हम लोग देखे थे कि चंपारण मीट हाउस फेसबुक अगर और भी बहुत जगह देखे थे, तो फिर आए देखने के लिए, खाने के लिए। टेस्ट किए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, ऐसा टेस्ट मतलब जमशेदपुर में अभी तक हम लोग ट्राई नहीं किए हैं। नाम क्या आप? कुलदीप सिंह। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने मटन हांडी के साथ साथ मीठा भी ऑर्डर किया, तो ये जानते हैं आखिर मीठा यहाँ का कैसा है, क्योंकि मटन हांडी तो हमने आपको बता दिया लेकिन मिठाई यहाँ की कैसी है वो भी आप जानते हैं। आपने मिठाई भी ऑर्डर किया था मटन हंडी के साथ, कैसा लगा मिठाई? मटन हंडी के साथ मिठाई भी ऑर्डर किए थे और बिरयानी भी ऑर्डर किए थे। बिरयानी का स्वाद एकदम लाजवाब है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जमशेदपुर के जो भी शौकीन है मटन के, तो चंपारण मीट हाउस में आके मटन का टेस्ट करें। मिठाई का कैसा लगा सर? मिठाई का टेस्ट एकदम लाजवाब था, गरम गुलाब जामुन। राहुल दुर्गे। यहाँ के कस्टमर से जो खा रहे हैं वो एक्चुअल बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर सोशल संवाद। धन्यवाद। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है और खाने में भी अच्छे ही लग रहा है। गला है कि नहीं? हाँ, चिकन और मटन दोनों अच्छा गला है। और आपने क्या ऑर्डर किया? हम चिकन ऑर्डर किए थे। कैसा स्वाद? स्वाद तो काफ़ी अच्छा, अलग है थोड़ा, पहली बार खा रहे हैं यहाँ पर, मतलब लाइक जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है उससे थोड़ा अलग है। एक और कस्टमर हमारे साथ में मटन ऑर्डर किया, उन्होंने जानते हैं स्वाद उनको कैसा लग रहा है। सर सबसे पहले स्वागत है सोशल संवाद में, अपना नाम बता दो। मैं कुमार बोल रहा हूँ। मटन आपने ऑर्डर किया? हाँ, हंडी मटन। हंडी मटन कैसा लगा स्वाद? स्वाद अच्छा है, बढ़िया है।
मतलब मैंने खाया है और भी जगह मटन, बट यहाँ पे थोड़ा यूनिक है। मतलब जितनी जगह आपने खाया जमशेदपुर में सबसे बेस्ट आपको? हाँ, मैंने सुना था नाम चंपारण का, बट अभी आज ट्राई किया है मैंने तो अच्छा है, गुड। एक और कस्टमर है, हांडी मटन उन्होंने ऑर्डर किया, उनसे जानते हैं कि स्वाद कैसा लग रहा मटन। स्वागत है सोशल संवाद में, अपना नाम बता दो। सुमन नाम है मेरा। स्वाद कैसा लग रहा हांडी? स्वाद बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मैं पहले आया हूँ दोबारा, फिर मैं कदमा से आया हूँ यहाँ पे, फ्रेंड्स को रेफर कर रहा था, यहाँ पे अच्छा टेस्ट है और अच्छे सब कुछ अच्छा है। सबसे यूनिक क्या लगा स्वाद? नहीं, जो हांडी मटन का एक्चुअल टेस्ट आता है, जो जिस चीज़ के लिए खाते हैं हांडी मटन, वो एक्चुअल इसमें है, वो एक्चुअल स्वाद आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त चंपारण मीट हाउस के ओनर आनंद सिंह राठौर जी मौजूद हैं, तो उनसे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि रोड किनारे इतने सारे दुकान हैं जहां पर आपको मटन मिल जाएगा, मटन हंडी मिल जाएगा, लेकिन लोग आपके ही रेस्टोरेंट में क्यों आएंगे और एसी में बैठकर उसी रेट में आप मटन हंडी दे रहे हैं, ऐसा सोच आपका कहां से आया? ऐसा है ना कि पले बढ़े हम लोग भी जमशेदपुर में, और हम लोग भी मार्केट में रह के ही काम किए, तो अपने समय पे खाने के लिए हम लोग जाते थे, बहुत जगह ऐसा है जमशेदपुर में मटन खाने के लिए, लेकिन एक सोच रहता था ना कि बैठ के एक अच्छे से एसी में एक थोड़ा ढंग का जगह पे बैठ के खाएं, ऐसा नहीं हो खाना खा रहे हैं पूरा पसीना गिर रहा है, मतलब मज़ा नहीं आता था खाने में। तो बहुत पहले से जब से हम लोग छोटा छोटा काम करते थे, हम और दिलीप जो मेरे पार्टनर हैं, तो सोच रहता था कि कभी करेंगे कभी करेंगे, फिर एक समय ऐसा आया जब मजबूत हुए हम लोग भी, जो प्लान था बचपन का पूरा किए, एक शौक है। और जहाँ तक रेट का बात है ना, अगर कम में खिलाया जाए और ज़्यादा खिलाया जाए तो भी कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट रखें तभी कुछ कमाई होगा, और एसी या फर्नीचर बनवाने में इन्वेस्टमेंट एक ही बार होता है, डेली डेली का इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट किए लोगों को सुविधा देंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। और जहाँ तक रेस्टोरेंट का बात है, चलता टेस्ट है, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे जमशेदपुर में मेरे टक्कर का टेस्ट नहीं दे पाएगा कोई भी, यही हम लोगों का यूएसपी भी है, टेस्ट। लोगों को आप लोग भी बताइए कि लोग आए और टेस्ट करें। हमने भी यहाँ पर खाया और जैसा कि ये कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही स्वाद है, जमशेदपुर का सबसे यूनिक टेस्ट है मटन हंडी का, और एसी में बैठकर सेम रेट में खाने का आपको ये मौका दे रहे हैं चंपारण मीट हाउस, क्योंकि वही रेट में आपको रोड किनारे भी खाने को मिलता है, लेकिन वही रेट में जब आपको एसी में बैठकर और उससे भी बढ़िया स्वाद मिलेगा तो लोग ज़रूर आएंगे। और यहाँ के कस्टमर से भी हमने बात की और उनका भी यही कहना है कि जमशेदपुर में सबसे यूनिक टेस्ट चंपारण मीट हाउस में है, तो एक बार अवश्य आ जाएं। कोट जो नया कोट है उसके ठीक सामने डांगी प्लेस, चंपारण मीट हाउस, एसी फैमिली रेस्टोरेंट में मटन हंडी और मटन चिकन का आनंद लेने आए, और साथ ही साथ अगर आपको मीठा खाना है तो मीठा भी यहाँ पर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को शेयर करें और जमशेदपुर का स्वाद पूरे देश भर में पहुँचाएं। तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद।